हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। हम यूपीपीएससी यूपीएससी मेंस के लिए, जो कि 2018 पेपर आने वाला है, रिजल्ट आ चुका है, उसका मेंस की तैयारी कर रहे हैं। जीएस पेपर 1 का पॉइंट नंबर 8 करेंगे। और पीडीएफ के बारे में जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल और सक्सेस मंच पेज से मिलेगी। और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दिया गया है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और पीडीएफ जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, पार्ट चारों पार्ट पूरे हो जाएंगे, तब इसकी पीडीएफ में प्रोवाइड करवाऊंगी। एक एक पर्टिकुलर पीडीएफ देने का इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा कि दो पीपीटी देके आप लोग क्या पढ़ेंगे उसमें। तो जितने भी सारे पीपीटी से एक बार मैं कंप्लीट करा के फिर चारों के चारों पार्ट्स वहाँ अपलोड कर दूंगी। तो हम लोग कर रहे थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में, जिसमें इसकी अवधारणा को हमने अच्छे से समझ लिया था कि उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण और वैश्वीकरण क्या होता है। अब हम देखेंगे कि इसके भारतीय समाज पर सकारात्मक क्या प्रभाव पड़े हैं और नकारात्मक क्या प्रभाव पड़े हैं। ये आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है, और इसमें मैं सारा एक साथ बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये हमारा पेपर है, ये आप देख लीजिए, मैंने सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। अवधारणा, उद्देश्य, सरकार द्वारा उठाए गए कदम, निजीकरण की अवधारणा, निजीकरण के क्षेत्र, वैश्वीकरण की अवधारणा, वैश्वीकरण के लाभ, वैश्वीकरण के संदर्भ में भारत के मत, ये सारे टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। और जिन व्यूवर्स ने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1, 2 और 3 देख सकते हैं। ये पार्ट 4 आखिरी पार्ट इसका मैं करा रही हूँ। तो आज हम दो टॉपिक करेंगे, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण का भारतीय समाज पर नकारात्मक प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव, ये दोनों प्रभाव कैसे हैं, तो ये हम देखेंगे। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर या लैपटॉप पर आ जाए। ये देख लीजिए, हमारा सारा ये रिवीजन है, वैश्वीकरण की अवधारणा, वैश्वीकरण के लाभ और वैश्वीकरण के संदर्भ में भारत के मत, ये हमने डिटेल में हर एक टॉपिक समझा था। अब हम देखेंगे वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का भारतीय समाज पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद देखेंगे नकारात्मक क्या प्रभाव पड़े हैं। तो अगर क्वेश्चन आया कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव बताइए, तो भी आप यही पॉइंट लिखेंगे, उदारीकरण के सकारात्मक बताइए तो भी यही लिखेंगे, और निजीकरण के बताइए तो भी यही लिखेंगे। और अगर तीनों एक साथ पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, तो भी आप यही लिखेंगे। और क्रिटिकल एनालिसिस अगर क्वेश्चन में आता है, तो आप सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही लिखेंगे, मीन्स आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप दोनों ही पॉइंट्स यहाँ लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन की नेचर पे डिपेंड करेगा कि आप आंसर उसका कैसे देते हैं। तो सबसे इसमें पहला पॉइंट हम बात करेंगे, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के द्वारा। जब से नई आर्थिक नीति लागू की गई 1991 में, उसके बाद से लेकर वर्तमान तक बहुत अधिक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है। लगभग हम अगर इसे डेटा में कहें तो 3 गुना से अधिक वृद्धि पाई गई है सकल घरेलू उत्पाद में यहाँ पर। सेकंड पॉइंट, हमें निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि, वैश्वीकरण और निजीकरण की जो नीतियाँ हैं उसके बाद, वो जब भारत ने अपना ली, उसके बाद में निर्यात में इतनी ज़्यादा वृद्धि हुई है कि मतलब कि जैसे पहले था कि पहले निर्यात नहीं किया जाता था चीज़ों को, अब क्या है, जो भी भारतीय चीज़ें हैं उसको विदेशी जो बाजार है उसमें बहुत अधिक मात्रा में निर्यात किया जा रहा है। तो इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में वृद्धि पाई गई है। थर्ड इसमें पॉइंट है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लाभप्रद सेवाओं का विस्तार। यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो नए लागू हुए, चालू हुए हैं इंडिया में और इंडिया से बाहर, तब वैश्वीकरण हुआ है, तो उन लोगों का आदान प्रदान हुआ है। इससे उच्च प्रौद्योगिकी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी सेवाओं का आदान प्रदान हुआ है, जिससे सूचना और संचार के क्षेत्र में काफ़ी लाभ पहुँचा है। सेवा के क्षेत्र में लगातार वृद्धि हुई है यहाँ पर, जहाँ 1950 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वहाँ सेवा क्षेत्र की भागीदारी हम बात करें तो सिर्फ 15% थी, वहीं 1991 में बढ़ी है ये 43%। और अगर वर्तमान समय की बात करें तो अराउंड 70% जो है, 67 से 70% सेवा क्षेत्र की भागीदारी है इंडिया में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो यहाँ सेवा क्षेत्र की भागीदारी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वृद्धि हुई है।
ऐसे ही रोजगार में वृद्धि हर एक क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे उद्योगों का क्षेत्र हो, चाहे सेवा क्षेत्र हो, यहाँ पर वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के कारण काफ़ी ज़्यादा रोजगार में वृद्धि हुई है। अगर हम पर्टिकुलर सेवा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 23% रोजगार क्षेत्र में वृद्धि हुई है, यहाँ 23% क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध हैं यहाँ पर वैश्वीकरण के कारण, निजीकरण के कारण, उदारीकरण के कारण। नेक्स्ट, भारतीय कंपनियों को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हुआ है। वैश्वीकरण के कारण जो भारतीय कंपनियां हैं वो विदेशों में भी अपनी पैठ बढ़ाने लगी हैं। इन कंपनियों ने विश्व स्तर पर अपने कार्य का विस्तार किया है। कई भारतीय जो कंपनियां हैं, आप लोगों को भी पता है इसके बारे में कि उन्होंने विदेशी उद्यमों का अधिग्रहण कर लिया है बहुत ज़्यादा, जैसे कि टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, TCS, रेनबैक्सी, एशियन पेंट्स, सुंदरम फार्मा, बायोकॉन, भारतीय एयरटेल, रिलायंस, ये सारी ऐसी नामी भारतीय कंपनियां हैं जिसने विश्व स्तर पर अपना नाम कमाया है। तो बहुत ज़्यादा मदद मिली है इससे भारतीय कंपनियों को अपना स्तर ऊंचा उठाने में। लास्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है, विदेशी एवं स्थानीय उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप जो स्थानीय उत्पादक थे और विदेशी जो उत्पादक है उनके बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन का लेवल आ गया है, जिसके कारण उपभोक्ता है उनको बहुत अच्छी मात्रा में सेवाएं और वस्तुएं उपलब्ध हो रही हैं, सस्ती उपलब्ध हो रही हैं। जब कंपटीशन की भावना जहां पर होगी वहां अच्छी क्वालिटी की वस्तुएँ और सस्ती वस्तुएँ, सस्ती सेवाएँ वहाँ पर उपलब्ध होंगी, तो इससे काफ़ी अच्छा भारत के संदर्भ में इसको सकारात्मक यहाँ प्रभाव पड़े हैं। आगे बात करेंगे हम वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण का भारतीय समाज पर नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा है। तो इसमें यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो अलग अलग भी होगा और पर्टिकुलर तीनों कंबाइंड भी होगा, तो आपको जैसा क्वेश्चन दिया हो आप वैसे यहाँ पर काम करेंगे। विकसित देशों की मंदी का असर भारत पर पड़ता है। अगर विकसित देशों में कहीं मंदी आती है वहाँ पर अर्थव्यवस्था में, तो उसका जो असर है वो भारत पर भी पड़ता है, क्योंकि भारत के शेयर बाज़ार गिरने लगते हैं और जो भारत के निवेशक हैं उनका मनोबल भी गिरने लगता है, फिर वो भारत में निवेश करने में कमी कर देते हैं, तो काफ़ी इससे नुकसान भारत को उठाना पड़ता है। घरेलू व्यापारियों की समस्याएँ, यहाँ पर घरेलू व्यापारियों को बहुत ज़्यादा समस्याएं देखनी पड़ती हैं, क्योंकि जब बाहर से विदेशी कंपनियाँ देश में आएंगी तो लोग उसको खरीदने के लिए ज़्यादा, उसकी सेवाएं और वस्तुएं खरीदने के लिए ज़्यादा आतुर होंगे, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, तो घरेलू जो व्यापारी होते हैं उनको इस संदर्भ में ज़्यादा कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा उन लोगों से, और यहाँ पर स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि उनको इतनी अच्छी पूंजी उपलब्ध नहीं है कि वो विदेशी कंपनियों से कॉम्पिटिशन कर पाएँ, तो यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। अमीरी और गरीबी के बीच बढ़ती खाई, वैश्वीकरण, उदारीकरण ने यहाँ पर, निजीकरण ने यहाँ पर अमीरी और गरीबी के बीच बहुत ज़्यादा खाई को बढ़ा दिया है गया है, क्योंकि अगर निजीकरण को बढ़ावा मिला है उदारीकरण को, तो जो पहले से ही पूंजीपति लोग हैं उन्होंने उद्योगों में इन्वेस्ट किया है और ज़्यादा उन्होंने पैसे कमाए हैं, और गरीबों के पास तो पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने को, तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते और अपनी प्रॉफिट नहीं कमा सकते, तो इससे जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं इसके कारण। क्षेत्रीय विषमता को यहाँ पर बढ़ावा मिला है। भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत ही ज़्यादा आगे हैं और बहुत ऐसे राज्य हैं जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हैं, जैसे कि हैदराबाद हो गया, बेंगलोर, मुंबई शहर तथा गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सारे जो राज्य हैं वो बहुत ज़्यादा आगे चल रहे हैं अर्थव्यवस्था के मामले में अपने। और यहीं दूसरी ओर हम बात करें तो कश्मीर, बिहार, सिक्किम, ये सारे पर्टिकुलर जो राज्य हैं वो क्षेत्रीय विषमता के कारण यहाँ पर पीछे चल रहे हैं, इनमें निवेश की मात्रा कम है, इनमें सुविधाओं की उपलब्धता कम है, तो इस वजह से यहाँ पर क्षेत्रीय विषमता को यहाँ पर बढ़ावा मिलता है वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के कारण। और ये जो यहाँ पर पर्टिकुलर राज्य नहीं, यहाँ पर विशेष एक क्षेत्र की भी बात की जा रही है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, रोजगार में उतार चढ़ाव, रोजगार में वृद्धि तो हुई है अगर हम पर्टिकुलर परसेंटेज की बात करें, बट अगर कहीं मंदी का दौर आता है तो रोजगार में कमी हो जाती है, अगर तेजी का दौर आता है तो रोजगार मिलने लगता है, तो यहाँ पर जब अर्थव्यवस्था में तीव्र गति होती है तो रोजगार में वृद्धि होती है, अगर मंदी होती है तो छटनी प्रारंभ हो जाती है जिससे बेरोजगारी आ जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है।
वैश्वीकरण के कारण, निजीकरण के कारण और उदारीकरण के कारण रोजगार के क्षेत्र में। नेक्स्ट है छोटे और लघु उद्योगों में गिरावट। जब बड़े बड़े उद्योग कंपटीशन के लिए आ जाएंगे तो फिर छोटे जो उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, जिनमें इतनी पूंजी नहीं है कि वो अपने वस्तुओं और सेवाओं में इन्वेस्ट कर सके या फिर कंपटीशन का सामना कर सके, तो इससे उनमें गिरावट आएगी, वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन झेल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए पर्टिकुलर छोटे और लघु उद्योगों को यहाँ कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, मीन्स जो बड़े उद्योग थे उनको यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा मिला है इसके कारण। तो आज हमारे ये वीडियो ख़त्म होता है। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के संदर्भ में जितने भी पॉइंट्स थे वो आज मैं कवर करा चुकी हूँ। ये पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर टॉपिक क्लियर हो गया है। जो टॉपिक अगर कोई इसमें पर्टिकुलर छूट गया है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, तो वो टॉपिक मैं ज़रूर यहाँ पर कराऊंगी। और अगर आप लोग के पास कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन भी मुझसे कर सकते हैं पर्सनली कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियोस अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।